out again. आ गया हूं मैं वापस से एक नया एपिसोड मतलब नई वीडियो लेकर, और आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बोट एयरडोप्स 138 के बारे में। इसका फुल रिव्यू देखेंगे, बेस से लेकर साउंड क्वालिटी से लेकर ट्रेबल से लेकर कॉल क्वालिटी से लेकर ऑडियो क्वालिटी बिल्ड क्वालिटी तक जाएंगे, और लास्ट में रेटिंग देंगे 10 में से कितनी होती है, और लास्ट टू लास्ट एकदम एंड में बताएंगे आपको कि आखिर किसके लिए ये है, गेमिंग पर्पज, बेस पर्पज, या फिर साउंड क्वालिटी पर्पज, या फिर कॉल क्वालिटी, और बताएंगे वर्थ बाएंगे कि नहीं। ये इतनी चीजें आपको सिर्फ छोटी सी वीडियो में मैं देखने को दूंगा, एंड एवरीथिंग इज जस्ट नाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप दिल से चैनल को सब्सक्राइब करके बिल नोटिफिकेशन ऑल कर लेना। चलो मैं वीडियो को शुरू करते हैं, और जल्दी से शुरू करते हैं बिना का टाइम को वेस्ट किया। तो ये हमारे सामने बोट एयरडोप्स 138, तो कुछ इस तरह से दिखता है ये, एंड इसकी फिनिशिंग भाई साहब कूल है। और सामने से देखोगे अगर आप, छोटा है, पॉकेट फ्रेंडली है, लाइटिंग वगैरह एकदम बेस्ट है, डिज़ाइन वाइज और बिल्ड क्वालिटी तो भाई साहब बस कोई कंपैरिजन ही नहीं है, बहुत कूल है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो इसकी कोई भी टेंशन नहीं लेना, जो टाइप सी का पोर्ट मिलता है, जो कि सब कुछ बेस्ट है। नेक्स्ट चीज़, मैं साउंड क्वालिटी की रेटिंग दूंगा, एंड हर चीज़ की रेटिंग लास्ट में दूंगा, तो वीडियो को मिस मत करना, वो चीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। और कुछ इस तरह का दिखता है, टच कंट्रोल नहीं दिया है कंपनी ने, कॉज आई डोंट नो अबाउट दैट रीज़न, बट नहीं दिया, सो बटन कंट्रोल मिलेगा आपको। तो साथ ही साथ इसमें 13mm के कूल ड्राइवर्स मिलते हैं, जो कि एक इमर्सिव साउंड देते हैं। साउंड क्वालिटी तो बेस्ट है, बट अगर आप, अगर तुम बेस लवर हो या फिर बेस के लिए इस हेडफोन को खरीद लियो, तो मेरी बात मानना, इस हेडफोन को बिल्कुल मत लेना, क्योंकि उसमें बेस ज़ीरो है। अप टू 12 वाट्स का बैटरी बैकअप मिलेगा बेस का, हाँ मैं बता रहा था, तो बेस के लिए आप बिल्कुल भी मत जाना, कॉस्ट बेस जीरो है। इफ यू आर प्रेफरिंग साउंड क्वालिटी और समथिंग लाइक दैट, देन यू कैन गो फॉर इट। टाइप सी पोर्ट मिलेगा इसमें। कानों में कुछ किस तरह का दिखता है आपके सामने मैं दिखा दूं, तो कानों में बड़ा लगता है, अच्छा लगता है दिखने में, कूल लगता है, और आपको भी बहुत कंफर्ट फील होता है। तो कानों में वगैरह फिटिंग वगैरह से कोई टेंशन ही नहीं है, कॉज एवरीथिंग इज जस्ट नाइस इन दिस सेगमेंट। बट साउंड क्वालिटी बोलूं तो काफ़ी अच्छी लगती है सुनने में, बट जी ट्रेबल भी अच्छा है, ट्रेबल ज़्यादा नहीं है, तो साउंड क्वालिटी पहले सुन लो तुम लोग, ठीक है। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, रेटिंग वाला साइड। बेस में मैं बोलूँगा 1.5 out of 10, जो कि बहुत कम है। साउंड क्वालिटी 7 out of 10, जो कि कूल है, अच्छा है, बेस्ट है। कॉल क्वालिटी 6 out of 10, एंड द नेक्स्ट थिंग इज ओ बिल्ट एंड डिज़ाइन 8 out of 10, जो कि बहुत ही ज़्यादा कूल है। नेक्स्ट जो ओवरऑल मैं बोलूँ तो 6.5 out of 10, जो कि डिज़र्व करता है। तो साउंड पर्पज़ के लिए आप ले सकते हो, बट नॉट बेस लवर, ठीक है। सो एट दी एंड मैं यही बोलना चाहूँगा, अगर आप साउंड क्वालिटी प्रेफर करते हो तो आप खरीद सकते हो, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके बाय कर सकते हो, बट ऑफ बेस लवर नॉट। थैंक यू।